गन्ना भुगतान को लेकर आक्रोशित बरखेड़ा व नवाबगंज क्षेत्र के तमाम गांव के हजारों किसानों ने बजाज फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन ने धरने का टेंट उखाड़कर फेंक दिया। तब किसानों ने पैनी नजर संस्था अध्यक्ष सुनीता गंगवार को सारी जानकारी दी। सुनीता गंगवार तत्काल बरेली से किसानों के समक्ष पहुंची। वहां से किसानों को लेकर बजाज फैक्ट्री पहुंचकर पुनः धरना आरंभ किया और चार घंटे मुझे भी खड़ा रहना पड़ता। एक एक गुस्सा आया, मुझे लगा कि लगता है क्या ये भी मुझको ही बदनामी पड़ेगी। प्रशासन को चिट्ठी दी, सारी संवैधानिक क्रियाएं करने के बाद मैंने धरने पर बैठा स्टार्ट किया और मैं अकेले बैठी थी। मैं आपको ये बता दूं, मैं बताना चाहती हूँ कि लड़ाई जो होती है मेरा अपना निजी मानना है, हो सकता है कि आपकी राय अलग हो। लड़ाई इरादों से लड़ी जाती है, इरादों से। अगर हमारा नियत सही है और इरादा पक्का है, स्तंभ की तरह पक्का है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भीड़ जो होती है, अगर भीड़ हमारी पूरी ताकत बन के हमारे साथ है तो हम सफलता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये समझे कि भीड़ होगी तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे, मेरा विचार इससे अलग है। आज जो जागे हैं, आप एक जागे हुए किसान हैं। हो सकता है कल आपको देखकर और लोग घरों से निकल कर आ जाए, तो हमारा ये काम भी होना चाहिए कि हम जागृति ला रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हाथ पैरों की लड़ाई यहाँ हमें नहीं लड़नी है। और ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है, तो अगर लड़ाई लड़नी है तो हमेशा फिर पीछे हटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें सही है, हम गलत नहीं है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सुबह की घटना की बात हो रही है, पुलिस फोर्स को भेजा गया, ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए था, हमें भागना नहीं चाहिए था। पुलिस फोर्स के पास हमें मारने का कोई राइट नहीं है। जब कोई चीज या घटनाएं लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है तो पुलिस बल को फिर बल प्रयोग करने का अधिकार होता है, उस चीज को वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आपका डर भी कहीं ना कहीं उन्हें उकसा गया। और जो प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आई थी उन्होंने किया है जैसा कि बताया है वो गलत है। दूसरी चीज कि मैं बार बार आपको बताऊंगी, ये बार बार बहुत सारे लोग आएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा कि उसमें आपके धरने में गड़बड़ी पैदा कर रहे, तो आपको बहकना नहीं है, किसी के सामने पर उकसना नहीं है। हम अपनी एक सीधी सपाट हमारी लाइन है कि हमारी ये मांग है, हमारा गन्ने का पेमेंट है, हमें केवल उस चीज को देखना है। किसी ने कह दिया उधर क्या हो रहा है, सारे लोग चल गए। ये होता है भीड़ को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। कोई भी नकारात्मक ताकतें आकर, हमेशा समाज में नकारात्मक ताकतें तो होती ही है। एक जो धरना होता है, किसी भी मांग को लेकर जो धरना होता है, वो हमेशा वर्तमान सत्ता के खिलाफ होता है, क्योंकि हम अपनी मांग जो रखते हैं वो सरकार से रखते हैं। भाई हम ही ने सरकार बनाई है और हम अपनी मांग कहाँ ले जाएंगे, किसके पास ले जाएंगे, सरकार के पास ही ले जाएंगे। सरकार हमारी मांग मान ले, हम अपने अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर बैठने का किसी को कोई शौक तो नहीं है, और ना यहाँ पर बैठना एक परेशानी की ही बात है, तकलीफ उठा रहे हैं आप लोग इस धूप में बैठे हुए, अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, तो ये तकलीफ आप उठा रहे हैं। ये दुख की बात है कि आज सरकार जो है इस चीज को नहीं देख रही है,
किस देश का किसान बैठा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही गई थी, एक केला खाया था, कोई गुनाह तो नहीं किया। मेरे भी गले की बैटरी डाउन हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ी सी चार्ज कर लूँ, है ना, ये वाली पे बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए कह रही हूँ कि आप सारे लोग प्लीज पता लगना चाहिए कि हमारे कितने किसान साथी यहाँ बैठे हैं। जो बैठा है वो किसान है और जो नहीं बैठा है वो किसान नहीं है, वो जा सकता है घर अपने जा सकता है। इसलिए सारे लोग बैठ कर अपनी उपस्थिति और अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करिए। आप बताइए कि हम किसान है, बच्चे खड़े होकर गलत पैसे जाता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि खड़े की पोजीशन गलत जाती है।